कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस दरमियान स्कूल बंद होने से बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग सहित परिवार के लोग घरों में ही रह रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग जहां दिन भर व्यस्त रहते थे, ऐसे में कई लोग अपने परिवार और बच्चों के बीच वक्त बिता रहे हैं। बच्चों ने लॉकडाउन में योग, मेडिटेशन, चौपड़ पासा का खेल खेलना, ड्राइंग करना, कबाड़ के सामान से पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाने सहित गौ सेवा, सूर्य के दर्शन जैसी दिनचर्या को शामिल किया है। हनुमान चालीसा करना सीखा और 64 पासा हमने आज तक नहीं खेला, जो हमारे दादाजी ने हमें सिखाया। और रोजाना सुबह होकर नित्य हमने योगा करा। मेरी मम्मी की मदद से मैंने कुछ सिलाई करना सीखा, जैसे चंगा वो। मैंने लॉकडाउन में अनेक प्रकार के चित्र बनाए जिसमें अनेक कलर भरे, जिससे मेरे को कलरों का ज्ञान होता है। परिवार वाले भी मानते हैं कि लॉकडाउन में बच्चों के साथ पहली बार क्वालिटी टाइम बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने का समय मिला है। घर के बड़े बुजुर्गों ने खेल खेल में कई गतिविधियों से जोड़कर पारंपरिक खेलों, धर्म, योग, संस्कार की शिक्षा दी है। लॉकडाउन के दौरान रामायण, महाभारत जैसे सीरियल्स सभी सदस्यों ने साथ होकर देखा है, जिससे संस्कारों में भी बदलाव आया है। सुबह के समय बच्चों को योग करवाना, उसके बाद में नहाने के बाद में सब बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना। दिन में बच्चे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद में शाम के समय इनको चौपट खिलवाना। समय बच्चों के हिसाब से मेरा पास हो गया। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में बहुत कुछ बदला है, वहीं घरों पर रहने के दौरान लोगों ने हालात के साथ जीने में भी काफी कुछ सीखा है। समाज लोगों से बनता है और लोगों में संस्कार घर के बड़े बुजुर्गों से ही आता है। ऐसे में इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर परिवार और बेहतर समाज के निर्माण में अपनों के साथ वक्त बिताना कितना अहम है। राजस्थान के टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।